मॉर्निंग और आप देख रहे हैं लकी डी सी एनएस। तो खबर की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाया गया धूमधाम से। कामायनी एक्सप्रेस में सफर करते वक्त व्यक्ति की मौत, सनसनी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निकाले गए मस्जिदों से लाउड स्पीकर। बुंदेली जलवा महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का होगा भव्य आगाज। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे श्री सीताराम विवाह उत्सव की। दमोह में धूमधाम से श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाया गया। दमोह के बुंदेली मंदिर से भव्यता के साथ बारात निकाली गई, जगह जगह उसका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस बारात में शामिल रही। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह जो नजारा देख रहे हैं वो सीताराम विवाह उत्सव का है, जहां पर लगातार विवाह उत्सव की धूम नजर आ रही है। बढ़ चढ़कर लोगों के द्वारा हिस्सा लिया गया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह संपन्न हो रहा है। सीता जी के साथ ये विवाह संपन्न हो रहा है। स्वयंवर रचाया गया था जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया और इस स्वयंवर को जीता गया। किस तरह से भक्तों में उत्साह रहा, आइए आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डी सी एन न्यूज। तमोनार के घंटा घर के समीप स्थित है श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां से भव्यता के साथ बारात निकाली गई। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, जगह जगह बारात का स्वागत किया गया। Thank you.
संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज दबाओ। बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां ऑटो चालक ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं ऑटो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। किस तरह से घटना घटी, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? हरिदास। घायल कितने जने हैं, क्या क्या नाम एक है? एक अब हमारी औरत का है समझ रहा है। एक जनवर है वे, वही ऑटो वार हो अपन। कैसे एक्सीडेंट हो वो भाई? जो कर गया तो ऑटो आस पट्टी से नीचे हो गई खड़ी, और वहाँ से आसू नहन था। कहाँ की घटना है? इतना गड़ौला बल्जू बर्कवान से बमोरी रोड को, बर्कवान से 1 किलोमीटर आगे गड़ौला बल्जू। आप लोग कहाँ के रहने वाले? घड़ौली बलजू के। ये भी वहीं के हैं जी? आटो वाले आटो वाला बमोरी को, उसको भी लगी है आटो वाला, उसको भी लगी हुई है। और अब हंटों के जरों गए। आपका क्या नाम है? पूरा हरिदास है। और पत्नी का कौन? को अम्मा है, समझ रहा नहीं है। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज तबाव। बीती रात एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि महिला के द्वारा फिनाइल पिया गया है। महिला से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि पड़ोसी जो महिलाएं हैं वे उन पर काफी अब लक्षण लगाती हैं, जिसके चलते उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। क्या नाम है आपको? भड़ोरिया हरवा। इनको? राधा हरवा। कौन है आपकी? पत्नी। क्या हो गया? जंप फिनाइल पी ली। कहाँ पे हो? पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा हुआ। कहाँ से आए? बरखीरा पे। पहले कहीं गए थे क्या? सीधे आए? कहीं गए थे क्या? सीधे आए? सीधे यहीं पे दम पटेरा गए थे, पटेरा से उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। कौन सी दवाई है? काय पे हो? मतलब ऐसी इन्हें पड़ोस पे लड़ाई बड़ाई हुई काय पे? अब जो तो भी यही जाने काय पे से भाई, हम तो काम पे गए थे। काय पे पीले? ठीक है पीले तो वे हम जैसे अब लक्षण लगा रहे हैं, इसके वजह से पीली हमने। 2 महीने हो गए हैं लड़ रहे हैं, तो इस खराक है उस खराक है, और हम जाके रहे तो सबूत बताओ, तो तुम्हारे पास कौन से सबूत? हम बता रहे जब न करुण समय डर नहीं है, इसके वजह से हमें आप लक्षण लगा रहे, तो फल पूरे हमारे घर आने के पूरे हमारे ऊपर मार भी धर रहे, आगे धर रहे हैं हमें, आगे धर देने जो कर देने, तो हमने कौन सा जुर्म करूँ? लड़का को भी बुला, हम भी जा रहे, तुम उसको बुला नहीं था हमसे लड़े से, इसकी वजह से हमने दवाई पी ली, थोड़ी पी गई एक डॉक्टर, ज़्यादा भी नहीं हमने, ना तो ज़्यादा पी क्योंकि वो चीज़ उठा रहे थे, अभी लेने आ पा। कौन कहता है, क्या नाम है उनको? संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज दबाओ। दमोह के तहसील ग्राउंड पर ऐतिहासिक बुंदेली जलवा महोत्सव 2023 होने जा रहा है। 19 दिसंबर शाम 4 बजे भव्य आयोजन होगा। ऐसे में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप तमाम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से कलर्स, GTV एवं स्टार प्लस के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो लगातार दिखाएंगे आपको अपनी कला के जलवे।
खास बात है कि सिर्फ एक दिवसीय आयोजन होगा, तमो के तहसील ग्राउंड पर भव्य आयोजन होगा। आप सभी से हम उपस्थिति की अपील करते हैं, तो जरूर पधारिए, हमें इंतजार रहेगा। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। हम आपके जित्तू खरी बादल, बुंदेलखंड के एक छोटे से कलाकार। हम आ रहे हैं दमोह तहसील ग्राउंड में बुंदेली जलवा महोत्सव में। दिनांक 19/12/2023 यानी यही 19 के कल परसों रात्रि में। तो आप लोग हैं जरूर 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 आओने बुंदेली राई, बुंदेली खंड की सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं आप लोग जरूर देख भी आइयो। तो हम आपको इंतजार कर रहे हैं। और इनके आयोजक हैं माननीय पंडित जी संजय सरवरिया जी, उनकी तरफ से भी समस्त जनता के आमंत्रण करूंगा वो है। तो सब जनों के आने हैं। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। दमो से गुजरने वाली कामायनी एक्सप्रेस में एक लाश मिलने से सनसनी है। बताया जाता है कि ये जो लाश है वो वसीम खान की है, जो कि बैतूल के रहने वाले हैं। सफर कर रहे थे, बीच रास्ते में अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी स्टेशन मास्टर को लगी तो उनके द्वारा जीआरपी को संबंध में सूचना दी गई। जीआरपी मौके पर पहुंची। कामायनी एक्सप्रेस लगभग एक घंटे तक दमो के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी रही। शव को नीचे उतरवाया गया, पंचनामा की कार्रवाई की गई। इसके बाद शव को दमो जिलास्पाल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, परिजनों को सौंपा जाएगा। अभी परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। बैतूल से दमो परिजन पहुंचने वाले हैं। कामायनी एक्सप्रेस में वसीम खान नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। जीआरपी के द्वारा मामले में जांच जारी है। सबको सुरक्षित रखवाया गया है, परिजनों का इंतजार है कैसे ये मौत हुई, ये अभी पहली है। मामले की जांच होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या है। आज दिनांक 18/12/23 को सुबह 9 बजे स्टेशन मास्टर दमोह ने सूचना दी कि ट्रेन कामायनी एक्सप्रेस के जनरल कोच में आगे तरफ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसे उतारने की व्यवस्था करें। सूचना पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी कामायनी एक्सप्रेस को अटेंड कर पंचायतनामा कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया, जिसके जेब में मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पर्स, 3350-60 रुपये नगद सामान मिला। मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के जेब में मिला आधार कार्ड से मृतक का नाम वसीम खान निवासी बैतूल का होना बताया है। परिजनों के आने पर जिला अस्पताल दमोह से पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया जाएगा। सर कहां से कहां की यात्रा कर रहे थे? ये बैतूल तक का टिकट मिला इसके पास, छनेरा से बैतूल। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात एक मामला सामने आया, जहां पर दमोह के जटाशंकर के समीप विवाद हुआ, जिसके चलते 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? हमारा नाम विकास है। उनका नाम पवित्र वाले। क्या हो गया था भाई? हम गए थे यानी कि काम से घर जा रहे थे, वो मरगटा यानी कि है ना, यानी कि जटाशंकर गेट शमशान घाट है कि, वहाँ से हम जा रहे थे। वहाँ हम लोगों ने यानी कि 4-5 दिन ने हमने घेर लिया, हम लोग को घेर के यानी कि मारा पीटा करने लगे, यानी कि वातावरण यानी मारा पीटा हो गई एक हिसाब से। किसने मारा है? यानी कि अमन गुन्ना, यानी कि अमन नाम है उसका, और यानी एक इंसान का नाम पता है और बाकी किसी का नाम पता नहीं। कितने जन थे? जानते हैं कितने जन थे? वो बहुत 3-4 जन थे और हम आते 2 जन।
आप लोग कहाँ के हो? हम लोग अंदर के हैं, जटा शंकर के अंदर के हैं। वो लोग कहाँ के हैं? वो लोग अंदर यानी कि वो इस साइड के बाजू वाली साइड से हते, वो कॉलोनी के हते और हम लोग अंदर के हते। कैसे मारा? वो उनने चाकू से मारा, वार किया। ठीक है, वो चाकू लिए थे, ठीक है, उनने चाकू से वार किया है। ये आपके कौन है? जी हमारा भाई है, कि बड़ा भाई है, कि वो टिफिन लिए थे, हम भी टिफिन लिए थे, हम काम से आ रहे थे एक हिसाब से, ठीक है, काम से बात कर रहे थे, इसलिए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़, दबाओ। दो में भी मुख्यमंत्री के आदेश और प्रशासन की चुस्ती के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर निकाले जाने लगे हैं। आज कश्यान मस्जिद में लगे हुए अतिरिक्त लाउड स्पीकर निकाले गए। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक आवाज सेट की गई। मध्य प्रदेश शासन के साथ प्रशासन ने भी नए मुख्यमंत्री के आदेशों का अमल में लाने चुस्ती दिखा रहा है। देर शाम तक पुलिस और प्रशासन की टीम मस्जिद पहुंची, शासन की गाइडलाइन के मुताबिक आवाज सेट करने और अतिरिक्त लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए। जैसा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा बताया गया कि जो कुलाल अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, इसके तहत एक शासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है कि रेजिडेंशियल एरिया है या कोई साइलेंट जोन है, जो मापदंड है साउंड का क्या सीमा रहेगी, तो जो भी साउंड है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर कोई निजी स्थान पर भी अगर कोई लगाता है, तो वहाँ पर सभी को समझाइश दी गई है। अभी दो दिन पहले थाना कोतवाली में श्रीमान एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में एक मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया था और ये बताया गया, जो आदेश है वो पढ़ के सुनाया गया था, उसी के पालन में मेरे द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय के साथ में भ्रमण किया जा रहा है और सभी को उस आदेश के पालन करवाने हेतु हिदायत दी जा रही है। सर, क्या इसमें चुंगे निकलवाए जा रहे हैं या फिर उनको एक निर्धारित सीमा में बजाने की? क्या चुंगे निकालने हेतु भी हिदायत दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है और जो साउंड की जो सीमा जो बताई गई है उसका भी पालन कराया जा रहा है। कोई कार्रवाई यही कार्रवाई जारी है अभी। सर, कार्रवाई क्या दंड रहेगा सर अगर पाया जाता है? अभी जो प्रारंभिक स्तर पे है, तो अभी जो आदेश के जो पालन में हमें जो निर्देश दिए गए हैं, ऊपर से जो आदेश निर्देश प्राप्त है, उसी के परिपालन में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक दिशा निर्देश मिलते ही दबो मस्जिद कमेटी ने बैठकर अजान के लिए निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक आवाज सेट के अतिरिक्त लाउड स्पीकर को निकालने का काम किया। शहर दबो के कश्यान मस्जिद में भी लाउड स्पीकर निकाले गए। आज मस्जिद की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो भी अभी शासन की तरफ से गाइडलाइन आई है, उसी के मुताबिक जो जायद चुंगे लगे हुए थे वो निकाल दिए गए हैं और शासन के मुताबिक जो आवाज फाइनल की गई है, उसी के मुताबिक आवाज को धीमा कर दिया गया है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान के मुताबिक भारत में बढ़ती ध्वनि प्रदूषण से इंसान के स्वास्थ्य पर भारी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मानव की औसत आयु बड़ी तेजी से गिरावट आई है। समय समय पर न्यायालय ने भी आदेश दिए और हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार के नए मुख्यमंत्री के पहले आदेश पर अमल बड़ी तेजी से होता दिखाई दे रहा है। अब जरूरी हुआ कि आम इंसान भी इस आदेश को अमल में लाए और ध्वनि प्रदूषण के प्रति सतर्क रहे। आजम खान, लखीडीसी न्यूज, दबाव। नोएडा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार राजेश साहू, थाना प्रभारी अरविंद सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित ग्रामीण नागरिकों को बताया गया कि लाउड स्पीकर का उपयोग किस तरह से किया जाना है, साथ ही मांस मछली विक्रय पर किस तरह से नियम लागू किए गए हैं, ये भी उन्हें बताया गया। बर्मा चौकी प्रभारी मनीष यादव की भी मौजूदगी रही। किस तरह से ये बैठक सम्पन्न हुई, आइए आपको दिखाते हैं। देखो, मर्यादा में आप लोग रखोगे वो हमको आशा है। और दूसरी चीज हो गई लाउड स्पीकर से मतलब कोई भी धार्मिक स्थान लिखा, मंदिर मस्जिद लिमिट में बजाना, बंद नहीं करते लिमिट में। और हमको सबसे ज्यादा जो जाना है चुंगा लगे, सबसे ज्यादा दूर तक जी रहे, पास में सुनाई दे चाहने दे, लेकिन दूर सबसे ज्यादा जी चुंगा ना लगे। शासन के कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनको जनता तक पहुंचाने के लिए आज शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें माननीय नायब तहसीलदार साहब उपस्थित हुए थे और थाना क्षेत्र के नोहटा एवं आसपास के गांव की सभी गणमान्य नागरिक
मस्जिद मंदिर और मांस मछली संचालक डीजे संचालक सभी उपस्थित हुए थे। सभी की उपस्थिति में शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं मांस मटन की दुकानों को लगाने के लिए और उनके संचालन के संबंध में एवं धार्मिक स्थलों में और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं इन पे जो इनकी लिमिट के संबंध में और प्रदूषण वायु ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कुछ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सबको इनसे अवगत कराया गया है, जिसमें शासन के नियमों के पालन की सभी ने आशा जताई है कि सभी लोग पालन करें, सभी ने आश्वासन दिया। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया डिगरा में एक सिरफिरे पति ने मामूली से विवाद पर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल पहुंचा दिया गया। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि ग्राम पिपरिया डिगरा निवासी कमलेश बंसल का अपनी पत्नी श्रीमती वंदना बंसल से विवाद चलता था, जिसके बाद पति कमलेश ने पत्नी बंसल पर घर में रखी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, कई वार किए, जिसके चलते उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल ग्राम पिपरिया डिगरा में एक महिला की हत्या का मामला आया था, जिसमें उसके पति कमलेश बंसल द्वारा अपनी पत्नी की जो है आपसी पति पत्नी के विवाद के चलते जो है कुल्हाड़ी से गले में प्रहार करके हत्या करने का मामला आया था, जिस पर से पुलिस ने धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके बाद मौके पर घटनास्थल पर FSL की जांच और अन्य जो है आवश्यक एविडेंस करने के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से पूछताछ के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। तमो के धर्मपुरा शराब दुकान के समीप एक विवाद हुआ। बताया जाता कि चाकूबाजी हुई है। दो युवक वहां पहुंचे थे, जहां पर विवाद के चलते यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या घटनाक्रम है आइए जानते हैं। कौन है आपका? राजा प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम होटल नंबर 4। क्या हो गया था? अरे लड़की को शराब ले गया, उन्होंने मार दी है मोनोचक। किसने मारी है? क्या की है? लड़की जहर वाली है। कहाँ का रहने वाला है? जी कहाँ, बड़ेपुरा का। उससे कछु हुई ना, हमारे शराब नहीं, हमारे को मारने। कितने लोगों को चाकू लगी है? 2 जनों। क्या नाम है उनका? श्री राम रेखवाल। और आपका? राजा प्रजापति। कोई पुराना विवाद चल रहा उनसे? कोई विवाद हुआ? उससे कछु मतलब नहीं, तो उससे दारू ले हमने शराब बीमार लगे हमारा, लेकिन आए थे। कितने लोग थे बोलो? 4 थे। कहाँ की घटना है? ये बड़ेपुरा की लड़की की। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाया गया धूमधाम से। कामायनी एक्सप्रेस में सफर करते वक्त व्यक्ति की मौत, सनसनी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निकाले गए मस्जिदों से लाउड स्पीकर। बुंदेली जलवा महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का होगा भव्य आगाज। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूं
नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आप की चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप, मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनुराशि। धनुराशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।